फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि ओइंग टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम ओइंग टू को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, ओइंग टू या बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ, ये सभी इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, यानी इन तीनों का यूज एक दूसरे की जगह आप कर सकते हैं और इन सभी का मतलब होता है कि वजह से या के कारण से। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कम एवरेज के कारण या कम एवरेज की वजह से मैं बुलेट चलाना छोड़ दिया, तो आप कहेंगे आई लेफ्ट राइडिंग बुलेट ओइंग टू लो एवरेज। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, आई लेफ्ट राइडिंग बुलेट बिकॉज ऑफ लो एवरेज। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, आई लेफ्ट राइडिंग बुलेट ऑन अकाउंट ऑफ लो एवरेज। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बिजली कटौती के कारण मुझे एक इन्वर्टर लेना पड़ा, या बिजली कटौती के वजह से मुझे एक इन्वर्टर लेना पड़ा, तो आप कहेंगे ओइंग टू पावर कट्स आई हैड टू बाय एन इन्वर्टर। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ पावर कट्स आई हैड टू बाय एन इन्वर्टर। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ पावर कट्स आई हैड टू बाय एन इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ओइंग टू, बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ का क्या यूज है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो खराब मौसम के कारण मेरी ट्रेन छूट गई, तो आप कहेंगे ओइंग टू बैड वेदर आई मिस्ड माई ट्रेन। आप ये भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ बैड वेदर आई मिस्ड माई ट्रेन। और आप ये भी कह सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर आई मिस्ड माई ट्रेन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो ट्रैफिक जाम के वजह से मैं ऑफिस देर से पहुंचा, या ट्रैफिक जाम के कारण मैं ऑफिस देर से पहुंचा, तो आप कहेंगे ओइंग टू ट्रैफिक जैम्स आई अराइव लेट इन ऑफिस। आप ये भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स आई अराइव लेट इन ऑफिस। और आप ये भी कह सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक जैम्स आई अराइव लेट इन ऑफिस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा कि ओइंग टू, बिकॉज ऑफ या ऑन द अकाउंट ऑफ का क्या यूज है। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि ड्यू टू का क्या यूज है। फ्रेंड्स, वर्ड ड्यू टू मीन्स के कारण से या की वजह से, लेकिन ड्यू टू के बारे में एक खास बात यह है कि आप वर्ड ड्यू टू का यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं बारिश के कारण कॉलेज नहीं गया, तो मैं लिखूंगा आई डिडंट गो टू कॉलेज ड्यू टू रेन। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ड्यू टू रेन आई डिडंट गो टू कॉलेज, तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो फ्रेंड्स, के कारण से या के वजह से के लिए आप ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखना होगा कि ड्यू टू का यूज सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, यानी आप ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत ना करें। फ्रेंड्स, अगर वाकई ये लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं? आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।